अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा थोड़ी डाउन सी हुई हुई थी। समटाइम्स ऐसे चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, आप हर वक्त तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन होता है समटाइम्स आप डाउन हो जाते हैं, और फिर जब आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, जो भी सिचुएशन होती है ना उसको आप एक्सेप्ट करें और अपने सारे दिल की बातें आप अल्लाह ताला से करें, आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला नेगेटिविटीज़ में से भी ना पॉजिटिविटीज़ निकाल के आपकी लाइफ में ऐड कर देते हैं। और आप यकीन करें कि एक दो दिन ही हुए थे मुझे, इसी वजह से मेरे वीडियोज़ भी नहीं आ रहे थे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और मेरा मूड ही नहीं हो रहा था एनीवेज। और फिर इन साहिबा का मैसेज आया और मेरे अंदर एक इतना ज़बरदस्त किस्म का स्पार्क जनरेट कर दिया इनके मैसेजेस ने, और मुझे इतना अच्छा फील कराया अल्लाह ताला ने कि मुझे ये लगा कि मेरी वजह से किसी की लाइफ इतनी चेंज हो गई, इतना ड्रास्टिक चेंज आया इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप सुनेंगे, वैसे तो इनकी तरफ से परमिशन नहीं थी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने की, लेकिन मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी क्योंकि हज़ारों लाखों दिलों की आवाज़ है इनकी, इनके मैसेजेस में जो कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग इन्हीं सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ नहीं चेंज कर पाते। वेट लॉस तो दूर की बात है, इन्होंने किस तरह से इन्होंने भी, ये भी अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, और जिस तरह से उन्होंने, उनको घर में भी कोई सपोर्ट नहीं थी, बॉडी शेमिंग किस तरह से होती थी उनकी, एक दो मैसेजेस, एक मैसेजेस इस चीज़ का भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनकी परमिशन से। और उन्होंने 2 महीने की अनथक मेहनत के बाद इतनी कमेंडेबल किस्म की इनकी बातें हैं और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और इतना इंस्पायर होने वाले हैं ना आप इनकी मैसेजेस सुन के, कि इन्होंने 2 महीने में अपनी वेस्ट जो है वो 46 से 38 कर ली, और 8 इंचेस उन्होंने 2 मंथ्स में अपना रिड्यूस कर लिया। और बेचारी ऐसी जगह से है कि उनके पास हर चीज़ अवेलेबल भी नहीं है, पढ़ी लिखी खातून है लेकिन हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं घर के अंदर, वॉक के लिए कहीं नहीं जा सकती, फिर भी उन्होंने कैसे सारा कुछ किया, बहुत बड़ी बात है ना। अगर उन्होंने बस ये कहा था कि आप मैसेजेस जो है मैसेजेस के थ्रू बता दें, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आती अगर मैं कन्वे करती हूँ उनके मैसेजेस, तो फिर मैंने उनसे कुछ मैसेजेस की परमिशन ली है, वो आप खुद सुनेंगे, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होगा। क्या डाइट उन्होंने फॉलो की, किस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपोज किया, और क्या डाइट ली उन्होंने, और क्या एक्सरसाइज की, और नमाज भी प्रॉपर नहीं पढ़ सकती थी, गुस्सा आता था, गुस्सा भी आना उनका ख़त्म हो गया। सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि वो नमाज उनको पढ़ने में आसानी हो गई, गुस्सा आना उनका ख़त्म हो गया, और वो कितना हैप्पी और लाइट फील करती हैं। ये आप उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा, उन्हीं के मैसेजेस सुनिएगा, और कोई दरमियान में इंटरप्शन नहीं होगी। और मुझे ये वे बहुत अच्छा लगा कि हमें हर किसी की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, अगर कोई नई पिक्चर शेयर करना चाह रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप उनकी आवाज़ सुने, उनकी आवाज़ से ही आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलने वाली है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ उनके मैसेजेस। और क्या उन्होंने कमाल बात ये की है कि जैसे आप लोग कहते हैं ना कि डाइट करना बहुत एक्सपेंसिव है, मुश्किल है फॉलो करना, तो जो जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी वही में से उन्होंने अपना डाइट प्लान बना के, मीन्स जब से मेरा इंटरव्यू पब्लिश हुआ था तब से वो मुझे फॉलो कर रही हैं, और वो ख़ुद बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या डाइट्स में से फॉलो करके अपनी चीज़ें जो उनके पास अवेलेबल थी, सारी चीज़ें बेचारी के पास अवेलेबल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरह से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चला, वो सारा कुछ आपको वो एक्सप्लेन करेंगी। तो उनके सारे मैसेजेस सुनते हैं, उसके बाद एंड में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फास्टिंग शुरू की 1 महीना, उसके बाद मुझे कुछ फर्क पड़ा कि ना रमजान शरीफ आ गया, तो उसमें मैंने फिर छोड़ दी वही, फिर मैंने पकोड़े वगैरह ये वजह से इफ्तारी में करते हैं, उससे मेरा फिर बढ़ गया।
मैंने ना आपकी पहली वीडियोस लेके अब तक की लो कार्ब और रोटी इसमें खाने का आपने बताया कि रोटी भी खास खा के वेट कम कर सकते हैं सारी ही देखी है टोटली। फिर जहां जहां से मुझे जो चीज मैं अरेंज कर सकती थी या जो चीज यहाँ से मिल सकती थी वो मैंने ना अपने उसमें डाइट में ना शामिल कर ली। जैसे ब्लैक कॉफी जानी से मिल जाती है मंगवा लेते हैं सिटी से मिल जाती है ब्लैक कॉफी इधर से ना, और ओट्स भी मिल जाते हैं वो जो कॉर्नफ्लेक्स फौजी वाले नहीं होते हैं फ्लैक्स कॉर्नफ्लेक्स और रोल्ड ओट्स और वो जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ से तो वो भी मिल जाते हैं। सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं इसके अलावा, और ये जो फैंसी चीजें ना चिया सीड ये वो चीजें नहीं मिलती इधर से ना चिया सीड ना कोई ऐसी जैसे होती हैं वो चीजें वो मैंने नहीं इस्तेमाल की। इसके अलावा जो आपने बताया था जीरे का पानी वो कभी कभी सुबह को ना एम्प्टी पेट कभी कभी ले लेती हूँ, मगर मुझे ना थायरोक्सन लेनी होती है फिर थायरोक्सन ना निहार पेट मुंह लेती हूँ सुबह सुबह ना नमाज के बाद उसके ऊपर से नहीं लेती। हाँ कभी कभी रात को ले लेती हूँ या उसको ना जब थायरोक्सन लिए हुए एक घंटा हो जाता है ना उसके बाद एक घंटा हो जाता है उसके एक घंटे तक कुछ नहीं खाना भी ना होता खाना खाते तो वो उसके एक घंटे के बाद ना फिर मैं वो जीरो का वाटर पी लेती हूँ कभी कभी पीती हूँ रेगुलर नहीं पीती। और ब्लैक कॉफी तो मैं अब रेगुलर पी रही हूँ ना एक्सरसाइज से पहले तो मसाला और सुबह को मैं अब पहले ना जब मैं रोटी ना खाऊं फिर मैं सारा दिन रोटी की क्रेविंग होती रहती है इसलिए मैंने ना सुबह को एक मीडियम साइज की रोटी उसके ऊपर ना हल्का सा घी लगा लेती हूँ कभी कभी सादी बिल्कुल सूखी बना लेती हूँ कभी घी लगा लेती हूँ हल्का सा वो बनाती तो सारे में खुद ही चपाती हूँ तो वो खा लेती हूँ उसके बाद ही मैं चपाती खाती सारा दिन। उसके बाद दोपहर में कभी बेसन का चीला बना लिया कभी मसाला ओट्स बना लिए कभी वो बना लिया कभी कभी खिचड़ी बना लेती हूँ बहुत सारी सब्जियां डाल के ना जैसे आजकल तो सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई है मटर गाजर शिमला मिर्च और ऐसी सारी सब्जियां डाल के ना वो खिचड़ी बना लेती हूँ दोपहर को ना कभी कभी रोज नहीं कभी 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 मसाला और ज्यादा ना वो आसानी से चीला बन जाता है वो बनाती हूँ वो दाल सुबह को भिगो कर रख देती हूँ मूंग की दाल तो वो उसका चीला बना लेती हूँ कभी बेसन का बना लेती हूँ सुबह जल्दी जल्दी घोला बेसन और बन गया साथ ना दही ले लेती हूँ दही में नमक और काली मिर्च डाल के ना छोटा बोल उसके साथ वो खा लेती हूँ आराम से मेरा पेट भर जाता है। शाम को भी मैं चाय पीती हूँ असर की नमाज के बाद चाय के साथ ये नहीं कुछ नहीं लेती चाय के साथ ना ऐसे चाय पीती हूँ अगर दरमियान में भूख लगे तो कभी खीरा खा लिया कभी अमरूद खा लिया अमरूद यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं ना तो कभी खीरा खा लिया कभी अमरूद खा लिया और कभी गाजर या मूली भी मिल जाती है वो ऐसी चीजें खा ली। उसके बाद रात को कभी दाल सूप पी लिया कभी दो अंडे बॉयल और एक कप दूध का हल्दी डाल के ना बगैर चीनी के वो पी लिया कभी गाजर वाला जो वो मिला लिया दूध बना लिया गाजर ना उसको कश करके ना एक कप दूध के अंदर थोड़ा सा बॉयल दे ले उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी ये टर्मेरिक वो डाल के ना अच्छी बन अच्छा बन जाता है उसका ना फ्लेवर उसमें कैरेट का फ्लेवर आता है दूध में ना फिर वो गरम गरम वो पी लेती हूँ बस सिर्फ दूध वही दूध एक कप गिलास समझ लें एक कप फिर सो जाती हूँ और यही मेरी रूटीन है। कभी कभी ज्यादा मुझे वो हो तो फिर रात को जीरे वाला कभी वो जीरा वाटर बना के पी लेती हूँ बस। और उसके साथ मैंने टाइम सबसे पहले मुझे जिससे मैं बहुत दर्द होता था इतना दर्द मैं पैनाडॉल खाती थी मेरे मियाँ ने घर पैनाडॉल मैफनैक और पेन किलर ऐसे ला के ना रखनी छोड़ दी मैं कोई काम नहीं कर सकती थी नमाज लोअर बॉडी हैवी थी ना नमाज खड़ी होकर नहीं पढ़ सकती थी। अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ना हवाओं में घूम रही हूँ मेरा इतना जिसम हल्का फुल्का हो गया। ये है कि स्लिम और ट्रिम नहीं हुई बिल्कुल वो जैसे यंग लड़कियां होती हैं वैसे नहीं हुई मगर ना हल्का फुल्का हो गया आपने देखा है बिल्कुल अब ना शेप में आ रहा है जिसम ना तो अब ना मुझे पेन होती है ना कुछ ना सीढ़ियां चलती थी सांस फूलता था जिसम ठंडा बर्फ हो जाता था और हाँ और दर्द जिसम में ज्यादा दर्द रहता था मेरी टांगों में ये जिसम में टांगों में ऐसे दर्द हो रहा है जैसे ना बंदे को कोई तलोड़ मरोड़ के रख देता ऐसे दर्द होता था थकावट होती थी सुस्ती बच्चों पे चीखती चिल्लाती थी मगर अब तो मुझे कुछ लगता है गुस्सा आता ही अब मुझे फील होता है मुझे गुस्सा आता ही नहीं है तो अब तो मुझे जिसम बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया
जैसे जैसे मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं उसमें अपनी ना डाइट में शामिल कर लेती हूँ। यही मेरी सिंपल सी डाइट है। हाँ, कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी ऐसे दरमियान में, या कुछ उसके घर का दूध दही होता है, फिर मैं ना नमकीन लस्सी बना लेती हूँ, दही की छाछ जिसे बोलते हैं, वो पी लेती हूँ, उससे फिर नहीं भूख लगती, दिल भी नहीं घबराता, भूख भी नहीं लगती। बस यही मेरी सारी रूटीन है। और चीला मैं दरमियाना साइज के दो बना खाती हूँ, कभी एक से पेट भर जाए। उसमें चीले में भी सब्जियां डालती हूँ, कद्दूकस करके ना, कश करके उसको, गाजर कश कर ली, मूली और वो धनिया और पालक बारीक बारीक काट के ना, वो सारी सब्जियां डाल के ना वो चीला बनाती हूँ। सब्जियां काट के रख लेती हूँ, फिर वो ना आसानी से बन जाता है, वो बना के खा लेती हूँ। बस यही मेरी रूटीन है। और अब मैं पहले, सबसे पहले मैं ना ये 10,000 स्टेप शुरू किए। पहले पहले मैं बहुत थक जाती थी, वहां मैं करती रहती थी, करती रहती थी, मैं करके ही छोड़ने घर में। बस हमें ना बाहर गली में या इधर उधर टाउन बने हुए, इधर उधर छोटे छोटे ना मोहल्ले, वहां तक बाहर निकलने की ना इजाजत नहीं है। और पार्क तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, बच्चों के लिए नहीं है, औरतों के लिए तो एक तरफ, तो फिर घर में ना वही 5 मरल लेकर घर, उसमें कभी इस सहन में छोटा सा सहन है, कभी सहन में, कभी कमरों में, कभी टीवी लॉन्ज में, बस इधर ये मैं रेगुलरली एक दिन मिस किए बगैर ना पूरा करती हूँ 10,000। कुछ भी हो जाए, बारिश आए, आंधी आए, मैंने ये 10,000 स्टेप करने ही करने हैं। और ये 30 मिनट ये वाले ऐसे मोबाइल पे लगा के ना रख लेती हूँ, कोई डाउनलोड कर लेती हूँ और रख लेती हूँ सामने किसी टेबल पे या चारपाई पे, वो तकिए के सरहाने वो लगा के ना साथ सामने रख लेती हूँ, उनको देख देख के ना वैसे करती रहती हूँ। बस यही किया है मैंने, अब ये 2 महीने हुए मुझे लगातार ऐसे करते हुए। और संडे की ना छुट्टी डाइट से नहीं करती, डाइट वही रखती हूँ, मगर ना एक्सरसाइज सिर्फ संडे को नहीं करती, एक्सरसाइज और वॉक, ना कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, उस दिन बच्चे भी घर होते हैं, फिर काम शाम। इसके अलावा घर में सिर्फ झाड़ू और ना पोचा मरवाती हूँ किसी हेल्पर से, बाकी किचन के काम, ऊपर नीचे के कपड़े धोने, ये वो मैं खुद करती हूँ सारा दिन। कोई मेहमान आए वगैरह, हर चीज सिर्फ झाड़ू और ना पोचा लगवाती हूँ, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ टोटली। अब तो मैं नमाज भी खड़ी होकर पढ़ लेती हूँ आसानी से, मुझे पता ही नहीं लगता। ऐसा जिसम हल्का हल्का हो गया, दर्द अगर थोड़ी सी पट्ठों में ग्राहट होती भी है ना एक्सरसाइज के बाद, वो सुबह को सोकर उठती हूँ तो फ्रेश हो जाती है। बस यही रूटीन है मेरी। और कोई पूछना चाहती है तो बता दे। और ना अक्सर मैं ये भी दोपहर में खाती थी कि चने बॉयल करके ना फ्रीजर में रख लेती, एक ही दफा बार बार तो बॉयल नहीं होता, ऐसे किलो या आधा किलो बॉयल करके ना रख लेती दोपहर में, एक से बारीक बारीक काट के, एक टमाटर, एक खीरा, थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज डाल के ना, उस पर नींबू और ना थोड़ी सी काली मिर्ची या चाट मसाला डाल के ना वो खा लेती। सेब भी होता था एक मीडियम साइज का, उससे ना अच्छा खासा पेट भर जाता था, फिर मुझे भूख नहीं लगती थी। कभी दोपहर में खाती थी, कभी रात को खाती थी, जैसे टाइम मिलता, जो जो चीज मुझे पता चलती थी मैं वो ऐड कर लेती थी अपने तरीके से। थैंक यू। इसके साथ ना मैंने एक मल्टी विटामिन भी लिया, मल्टी विटामिन फॉर स्पेशली वुमेन के लिए होती है ना, 1 a day मल्टी, बस यही लिया मैंने, और तो कुछ नहीं। अब नहीं ले रही, 2 महीने ली है बस। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना इसके साथ 0 sugar, ना कोई गुड़, ना कोई स्टीविया, कुछ नहीं यूज किया, खजूर भी नहीं, 0 sugar रखी है मैंने ना। तो ये सुन ली आपने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। ये ज्यादा इजियर है ना कि मैसेजेस के थ्रू आप लोग एक ही गो में सारे सुन ले मैसेजेस। तो कितना ज़बरदस्त उन्होंने जो जो चीज़ें अवेलेबल थी, चिया सीड उनके पास अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने नहीं लिए, ठीक है, उन्होंने सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, समझाती हूँ आप लोगों को, तो किसी एक चीज़ को लेके, जैसे ज़ीरा वाटर भी, जैसे मैं ज़ीरा वाटर कहती हूँ कि आप लें, लेकिन पूरा वीक नहीं लेना चाहिए, ठीक है, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ही लेती थी बस। किसी एक चीज़ को, कोई एक चीज़ आपका वज़न कम नहीं करती है, ये सारी उनका हार्ड वर्क था 2 मंथ्स तक। और देखें उन्होंने रोटी भी ली, उन्होंने चावल भी लिए, देखें कितनी बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें
उन्होंने कहा कि उनके पास 5 मरले के घर में ही जो जगह थी, डिफरेंट कमरों में जाके घर के काम के साथ साथ वो खुद अपना टाइम निकाल के वॉक भी करती थी। वो कहती थी आंधी आया, तूफान आया, मैंने 10,000 स्टेप्स करने। हाँ जी, एक और बात जो उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड किया था, 30 मिनट्स का जो वर्कआउट का वीडियोज़ नहीं होता, जो भी आपको ईजी लगता है, जो एरोबिक्स एक्सरसाइजेज होती हैं वो लगा के अपने कमरे में वो उसे परफॉर्म किया करती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो उनके वो मिल्क, हल्दी और वो जो गजरेला टाइप, मैं आप लोगों से कहती हूँ ना वेट लॉस में आप लोग मीठा ले सकते हैं, तो वो कैसे उन्होंने बना के उसके अंदर हल्दी ऐड करके, इलायची ऐड करके लिया, यानी सारे उनके मील्स फ्लेवरफुल थे और उन्होंने पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखा, कंसिस्टेंट रहीं। द मेन थिंग इज़ दिस के वो कंसिस्टेंट रहीं, और उन्होंने जो बॉडी शेमिंग वाली बातें हैं जो लोग मजाक उड़ाते थे, उन्होंने इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। उनको तकलीफ तो हुई लेकिन वही सारी बातें उनके लिए मोटिवेशन बन गई। तो ये देखें, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सारा कुछ सुन के, और कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पिक्चर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनका वेट 80s में है। उनको नहीं पता कि उनका वेट कितना है क्योंकि उनके पास वेइंग स्केल अवेलेबल नहीं था। उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास फीता होता था, इंच टेप होती थी, जिसकी वजह से वो अंदाज़ा लगाती रहीं कि उन्होंने 2 महीने में 46 इंचेस से अपनी वेस्ट 38 इंचेस कर ली। और मैंने अभी कहा है कि उनको 2 मंथ्स और वो इसी तरह से कंसिस्टेंट होके थोड़ी सी चेंजेस मैंने की हैं, वो उनको वो फॉलो करेंगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रابطہ करके अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखें इन्होंने वीडियोस देख देख के ही मोटिवेट होती रहीं और अपना वज़न कम कर लिया, जिन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आई एम 200% श्योर कि मेरी बातों से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, मेरे वीडियोस से भी मिलती है, और जो लोग मुझसे कनेक्टेड होते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो हैप्पी भी होते हैं, मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ईजीली उनका वेट लॉस हो जाता है। तो आप इस नंबर पर रابطہ करके अपना कस्टमाइज डाइट प्लान भी ले सकते हैं मुझसे, आपको मुझसे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इनके मैसेज, इनकी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, गौर से सुनिएगा, यही सारी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, सबके साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।